आई लव यू अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु। हरामजादे कोड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ छूने की, सूअर से सिकल के? अनु तुम मेरे प्यार को समझो तो सही, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अनु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ अनु, प्लीज अनु प्लीज तुम्हें मेरे से प्यार कर लो अनु। डायनासोर की सिकल के तुझसे प्यार करूंगी मैं, कीचड़ से? अनु तुम मेरी सकल पे मत जाओ, तुम मेरे दिल में झांक के देखो, दिल में कितना प्यार है मेरा तुम्हारे लिए। तेरे दिल में प्यार नहीं है, गा रहा है उसमें दलदल में फंसना नहीं है मुझे, समझा तू? तुम एक बार मेरे गारे में आकर डूब के तो देखो कितना प्यार है उस गारे में। तू मेरे को ना है कोड़िए, प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, अगर तुमने एक बार मेरे प्यार को अपना लिया ना तो मैं तुम्हें अपने रॉकेट पे बिठा के चांद पे लेके जाऊंगा। मरे सपने मरे भैया, क्या छेद दिखाई रहा है, छेद तो कभी दो दिनों से देखा ना। अरे सुमित भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? यार मैं मर जाऊंगा बहन, जो मैं बहुत गुस्सा आ रहा है यार, मैं क्या करूं, मुझसे कोई भी लोड़िया नहीं पड़ती यार। यार अपने गांव की वो ना रामफल की अनु, उसे मैंने आज प्रपोज करा तो नु कह रही तेरी तो बहुत सड़ी हुई सी कल, मैं तुझे कैसे पटा लूं, मैं तुझे नहीं पटाने की यार, मैं मर जाऊंगा बहन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। अरे सुमित भाई मरने से कुछ नहीं होता, आज देख लो छिंदन का लौंडा मर गया, उसकी सेटिंग थी, आज भी उसकी सेटिंग ने 10-12 लौंडे पटा रखे, क्या ले गया, किसी कुछ भी ना ले गया, अब मरने से ना होता कुछ भी, तुम बात बताओ क्यों रो रहे हो? मैं इस मार रो रहा हूँ यार, मुझे अनु को पटवा दे तू यार, कैसे ना कैसे करके मैं बनना मर जाऊंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता यार, मैं बहुत प्यार करूँ उससे। देख भाई पटवा तो दूंगा मैं, पर मुझे अभी थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए। पटवा देगा तू? पटवा दूंगा, पटवाने में क्या धरा, चल तो तू खर्चा ले लिया बस, तू यार पटवा दू उसे यार, मैं बहुत प्यार करूँ यार उसे यार। फिर तेरा काम करवाना ही पड़ेगा। करवा दे। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? एक गांव में ना ओगलनाथ बावर आते हैं, भगत जी हैं वो। हाँ। सेटिंग करवाते हैं वो, ब्याह करवाते हैं, जिसकी सेटिंग नहीं होती ना भाई साहब मिनटों सेकंड में काम करवा दें वो, लोगों पर थोड़ा सा खर्चा चाहिए और क्या। अच्छा मेरी सेटिंग करवा देंगे? तेरी सेटिंग करवाना क्या धरा उसमें, बड़ा हाथ का खेल है उनका, समझिए ना। अच्छा भाई मेरे पुराने शिष्य है वो। अच्छा चल तो यार, चल मेरी सेटिंग करवा दे यार तू। सुन देख मैं 70 रुपए का पहले फैट का पावा पीऊंगा। अरे तू 80 वाला पी लिया यार, तू मेरी सेटिंग तो करवा दे। चल तो फिर आ मिलवाऊं। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया बाबा। भगत जी, ओ भगत जी, अरे कोई आया क्या? अरे होंगा होंगा, आ जाओ आ जाओ। राम बेटे राम राम, और कैसा आना हो गया आज? कैसा ना यार, डॉक्टर के लिए गया हूँ उसे। क्या हो गया इसके? परेशानी बता रहा अपनी। बेटे डॉक्टर ना हूँ मैं, परेशानी है तो डॉक्टर पे जाओ, मैं तो वैसे ऊपरी इलाज करता हूँ। तभी तो कह रहे थे परदेसा हो गया। परदेसा है? हाँ। भगत जी मैं बहुत परेशानी में हूँ, भगत जी मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मर तो बाद में ये मेरे बता दो तो क्या परेशानी है, मर जाऊंगा मरना ऐसी रखा के हलवा जाऊंगा साला डरिया। भगत जी मैं अपने गाँव की एक लोंडिया से बहुत प्यार करूं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी धुरवा नहीं देती वो। भगत जी मैं क्या करूं, मैं उसके बिना नहीं जी सकता भगत जी, उसे पटवा दो भगत जी। बेटे बात है ऐसी, लोंडे के पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो, लोंडे में तो कुछ है नहीं, पर ऐसा तो तेरा मुंह है जैसे भैंस गोबर ना कर देती है और बाद में ऐसा करा पिछवाड़ा। ऐसा तो तेरा मुंह है तो तुझसे लोंडे कैसे पड़ जाएंगे बेटे। भगत जी देखिए ऐसी बात ना, अब तुम्हें बालों से जेल भी लगाने लगा। जेल लगा ले चाहे कुछ भी लगा ले, लोंडी ऐसे सेट नहीं होती बेटे। तो और कैसे होगी, तुम पटवा दो, देखिए मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मैं उसके बिना ना जी सकता, मैं बहुत प्यार करूँ उसे। साले मर जा, मरने से क्या हो गया है, छितन का हैगा लोंडिया के चक्कर मर गया, लोंडिया ने दो दिन बाद ही दूसरा कर लिया, वो मर गया तीसरा कर लिया, लोंडिये का कुछ ना होता बेटे, ये तो एक को छोड़ा दूसरा कर ले, बस ट्रेन अरे छोकरी इन तीन चीजों का पीछा कहीं मत करो, एक जाती है दूसरी आती है, खैर कुछ ना मोहब्बत तेरी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगत जी मैं तुम्हारे द्वारा बहुत भरोसे से आया हूँ, प्लीज मेरा काम करवा दो भगत जी। भगत जी कर दो लोंडे काम। भाई देखो काम के जो हैं अपने अपने तरीके हैं, मेरा भी तरीका है, लेकिन अलग अलग काम की अलग अलग फीस है।
फीस? हाँ भाई हाँ। कैसे कैसे? देखो भाई अगर तुम्हें कोई जवान लड़की पटानी है तो फीस पड़ेगी 500 रुपए, और अगर तुम्हें कोई शादीशुदा औरत पटानी है तो फीस लगेगी 1000 रुपए, और अगर कोई 30 साल से ऊपर है बुढ़िया तो उसके लगेंगे 2000 रुपए। भगत जी ये तो तुम बिल्कुल उल्टा बता रहे हो, ऐसा तो कुछ भी ना होता। अगर लोंडिया होती तो उसके 3000 रुपए तो चल जाते, बुढ़िया के कैसे? अरे भैया इसका भी हिसाब किताब है भैया, लोंडिया जो होती है वो बड़ी मुश्किल से बढ़ती है, समारोह की फीस कम कर रखी है हमने, और जल्दी बढ़ जाती है इसलिए उसकी फीस महंगी कर रखी है हमने, और जो होती है एक्सपीरियंस होता, हमने भी एक्सपीरियंस कर रखा तभी तो तुम यहाँ आए हो। अरे भगत जी मैं तुम्हें फीस सब दे दूंगा, मैं तो बस लोंडिया पटवा दो, मुझे ना पटानी और तुरंत। चल ठीक है, उपाय जो बताऊं कर लेगा? मैं कर लूंगा सर, उपाय कर लूंगा, तुम बस एक बार बता दो। सुबह को उठना है, उपाय नंबर 1, सुबह को उठ के भैंस का ताजा ताजा गोबर चाटना। यो ना करने का, मैं बिल्कुल भी गोबर कैसे चाट लूंगा। चलो दूसरा उपाय सुन लो फिर, दूसरा उपाय सुन लो, काले कुत्ते जब लैटरिंग कर ले उसका पिछवाड़ा चाटना जीभ से, भाई साहब लोंडी एकदम पड़ जाएगी एकदम। तो कोई ढंग का बता दो, कोई ढंग का ना तुम्हारे पास में, पिछवाड़ा कैसे चाट लूंगा मैं। चल भाई तीसरा ऑप्शन सुन ले। अब तीसरा बता दो। तीसरा सुन लेगा, तीसरा कर लेगा, कर लूंगा तीसरा, पर ढंग का बताइयो। ढंग का ही है, तीसरा ऑप्शन सुन ले, कोई मोहल्ले की कुतिया हो, उसका मतलब ब्याही हो, वो ताजी ताजी ब्याही हो, तो उसका जो दूध है ना वो पीना है। तुरंत पड़ जाएगी एकदम। दूध कैसे निकालूंगा उसका? ना मुंह लगा के पीना करके। तुम पागल हो रहे हो, मैं पिल्ला थोड़ी हूँ, मैं आदमी हूँ, पिल्ले पी रहे कुतिया का दूध। भैया लोंडिया पटाने चक्कर में कुत्ता ही बनना पड़ता है, तभी पटती है लोंडिया इतनी पटती। यार किसके धोरे लेके आया तू? चल मैंने 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 करवा रहे हैं इनसे काम। रुक जा, बहुत बढ़िया भगत है यार ये। अरे मेरे कद्दू के भगत है, देखिए जिन क्या कैसे कैसे उपाय बता रहे हैं ये। सही से उपाय बता दो। यहाँ तुम सारे ऑप्शन पर ऑप्शन मांगे जा रहे हो, मैं केबीसी का अमिताभ बच्चन बैठा हूँ यहाँ पर। लोंडिया पटाना इतना आसान थोड़ी ना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। हाँ तो बलिदान तो मैं देने को तैयार हूँ, पर तुमको ढंग की चीज तो बताओ, ऐसे थोड़ी ना। कुत्ते का पिछवाड़ा चाट ले, गोबर चाट ले। चल छोड़, मैं कुत्ते दूं अगर तो लोंडिया को खिला सकता तू नहीं? हाँ खिला दूंगा, ऐसे तो मैं खिला दूंगा। तू कह रहा बात करती है ना, खाएगा तो लेगी वो ना। मैं देख लूंगा फिर भी, कुछ कर लूंगा, इतना तो रिस्क मैं ले ही लूंगा। ठीक है फिर एक काम कर, बाबा जी के बतासे ले जा। बतासे? तुमने कभी तैयार रख रखे हैं? मैं पढ़ के रखता हूँ पहले ही। भैया तेरे जैसे ग्राहक आते रहे मेरे पास, लोंडिया बाजी के रोज केस आते हैं, 250 केस डेली आते हैं लोंडिया बाजी के। अच्छा ये बतासे ले जा, अब जाकर लोंडिया को खवा दिए, मैंने पढ़ कर रख रखे हैं। भाई साहब जब बतासे खा लिए ना, तेरे पीछा नहीं छोड़ेगी, चिपकी फिरेगी चिपकी। मर मरा तो जाने की जहर तो ना है। भगत जी तो साथ दियो। तू किसे देगा भाई? अरे मैं भी दे दूंगा, लाओ दियो सही। इसमें से ले ली दो बतासे, इसमें से ले ली, पढ़ रखे पड़े हुए हैं ये। लोंडिया खिला दिए लोंडिया, पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगी भाई साहब, चिपकी फिरेगी। अच्छा हाँ चलो फिर चले, अब तो काम हो गया। फीस कौन देगा साले, मुंह पर रैपट मारूंगा। 500 रुपए निकाल। यारो भगत जी वो पैसे तो मैं लाना भूल गया, जल्दी जल्दी में एक काम करो, पहले काम हो जाएगा फिर दे दूंगा तुम्हारी फीस। साले उधार खाते वाला मैटर बहुत बुरा लगता है मुझे, यू तू लाया इसे तो तू निकाल पैसे साले। अरे भगत जी मेरे खाते में लिख लियो। चलो एक काम करो, इसे अपने धोरे बिठा लो जितने मेरा काम ना होता। ना ना ले जैसे तू, पर 500 रुपए मुझे चाहिए चाहिए, नहीं तेरी बुढ़िया खेल लूंगा। 500 रुपए प्लस पौवा दूंगा, 80 वाला फाइटर और चकना दाल मोट में। दाल मोट ना, और दाल मोट ना, दाल मोट नहीं, वो जो मूंगफली गिरी होती है ना, जिसमें मसाला चढ़ा हुआ आता है, इंग्लिश में बोलते पीनट पीनट, वो चाहिए मुझे। कौन देगा मुझे? अरे तुझे भी दे दूंगा, पहले तो दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस एक बार मेरा काम हो जाए। बस तो ये बताते जाके लोंडिया खवा दिए, तेरे पीछे पीछे घूमेगी। जा सच में जा भैया। भगत जी तुम्हारी आदत बहुत बढ़िया। मैंने कह दी ना इनकी आदत को कोई नहीं बदलने का। चलो 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 भाई, लोंडो का भला हो जाए, हमारी फीस तो यही है, हमारा तो नाम ही उठ रहा है कि ओगड़ भगत ने दिया आयु वरदान। मेरा जो वो है ना मन, पूरे देश के लोंडो को एक एक लोंडिया सेट करवा के देना है, हर लोंडे के पास एक लोंडिया होनी चाहिए सेट हुई। कर रहूंगा, मेरा नाम भी ओगड़ भगत है, ये काम हो जाएगा, किसी को भी अकेला छोड़ूंगा नहीं, हर लोंडे पे लोंडी रहेगी, हर बुड्ढे पे रही बुढ़िया। चलो भी किसी का काम हो हमारी उससे वो बढ़िया। ताऊ
कौन है तू? और यहाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरे घर तक पीछा करता हुआ आ गया तू? कल तो मैंने तुझे चाटे मार के भगाया था। अरे मैं उस बारे में कोई बात करने ना आया, मैं तो बस नुकया ना हूँ। मैं ना इंटर में पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन आई है मेरी, तो मैं ना पूरे गांव में बतासे बांट रहा हूँ। तो मैंने सोचा तुम्हें भी देता चलूं, लो बतासे खा लो। खा लूंगी मैं बतासे? लो खा लो खा लो। मुंह में पड़ेगा क्या? मैंने कैसे खा लूंगी बतासे, रखते हैं यहाँ। अच्छा खा ही लियो इन्हें। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल में लाया हूँ मैं। हाँ स्पेशल में लेके आया, बतासे लेकर चला, लड्डू वड्डू लेके आता। हाँ ठीक है, अब अगली बार लड्डू खा लियो। ठीक है मैं जा रही हूँ। हनी ठीक है, अब मुंह में घुसेगा? ठीक है खा लियो। पर अबे जा, खा लूंगी मैं। खा दिया इसने तो मुझे, मेहंदी भी ना लगाने दी। लेके आया बतासे। ऐसा करती हूँ, बहुत देर हो गई, नहा लेती हूँ, स्कूल को भी लेट हो रही हूँ मैं। इसमें क्या है? बतासे चल, चाय तो बनी ना है, बतासे ही खा लूं। सुमित कहाँ हो तुम? सुमित मेरी जान, सुमित कहाँ हो तुम? बाबू सुमित, बाबू सुमित कहाँ हो? बाबू मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। सुमित 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 कहाँ हो तुम? बाबू सुमित सुमित जैल, मैं कह रहा हूँ मैं उसे बता से तो दिया आया, अब मेरा काम हो जाएगा ना? टेंशन मत ले मैं हो जाऊंगा यार तेरा काम। पन्नू बताओ ना बसाते खा लिए? बता से यार, बता से तो ना खाए थे, नू कह रही थी नू यही रख दो मैं खा लूंगी, तुम जाओ। चल कोई बात ना, खा लेगी। पर मैंने कही थी ना, ओगड़ भगत का कभी उपाय खाए ना जाता। यार तू मेरा दोस्त नहीं, मेरी जान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। चलो तो भैया क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या चाहिए थी, कहाँ को चलूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, आई लव यू सुमित, चलो मेरा कुछ करने का मन कर रहा है। भैया तू पागल हो गया, तेरे दिमाग खराब है क्या? तू कैसी कैसी हरकतें कर रही है लोडिया वाली? मुझे नहीं पता, मुझे मोहब्बत हो गई, तू चलो मेरे साथ। अबे साले खड़ा खड़ा देख रहा, नूना मुझे बचा ले। अबे छोड़ दे सर, क्यों लोड है, तेरी हरकत कर रहा, छोड़ जा साले, तू पीछे कट जा, तेरे दुखी पेल दूंगा। मोहब्बत हो गई तुमसे बाबू, चलो ना साले, छोड़ मुझे, साले छोड़ मुझे। भगत जी मुझे बचा लो, भगत जी मुझे बचा लो। बच्चा हुई क्या? भगत जी तुमने जो वो मुझे सुबह बतासे दिए थे ना, वो तुमने नुकाई, तुमने जाकर अपनी सेटिंग को खिला दिए, मेरी सेटिंग ने तो वो खाए ना, और उसके भैया ने खा लिए वो। भैया ने खा लिए? हाँ। और साले मैंने तुझसे पहले कही थी वो बतासे लोंडिया खवाने हैं, लोंडिया साठ हो जाएगी ना भैया, खवा किसके पाले से भैया साठ होगी तो सब, भैया साठ होगी तो सब। भगत जी मुझे बचा लो, देखियो सुबह से मेरे पीछे लगा पड़ा वो, मुझे बचा लो। बेटे वो न बचने का कोई उपाय ना, मैंने तुझसे पहले कही थी लोंडिया खवाने हैं, अब तो बेटे वो तेरे दुखी पीटेगा। बाबा जी देख रहे हो लापरवाही का नतीजा भाई साहब, ये काम कभी ना करे, टोटके बाजी में कुछ ना रखा, अगर लोंडिया सेट करनी है तो मेहनत से करे, अन्य टोटका उल्टा बैठ गया ना तो दुख भी तुम्हारी पिटेगी।